फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू की भुजिया बनाना सिखाऊंगी, जो कि लहसुन वाली आलू की भुजिया होगी। ये दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और ये मेरा बिहारी रेसिपी है, प्योर बिहारी रेसिपी, और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। एकदम लहसुन और ग्रीन चिली पे बनेगी, एकदम इजी रेसिपी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं इसमें कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, करीब ये 5 स्पून के करीब ये ऑयल है। थोड़ा भुजिया में ऑयल ज्यादा पड़ते हैं ताकि उसको पूरे अच्छे से भुना जाता है, ये चूर चूर एकदम भुजिया हो जाती है भूनते भूनते। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पड़ते, बस थोड़े से मसाले पड़ते हैं। तेल एकदम गर्म होने चाहिए। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें आपको थोड़े से जीरे डालूंगी। जीरा जब क्रैकल करेगा तो मैं ग्रीन चिली है, नॉर्मल ग्रीन चिली है, मैं इसको बस ऐसे हाथों से तोड़ूंगी और इसको डालूंगी। थोड़े से ये भून जाए। थोड़े से ग्रीन चिली थोड़ा भून जाए और जीरा, तो मैं ये आलू की भुजिया जो मैंने लंबे लंबे फ्रेंच फ्राई की जैसे कट की है, बस आप कोई भी आलू लीजिए और इसके छिलके उतार दीजिए और ऐसे पीसेस में छोटे छोटे आप कट कर लीजिए। इसमें डायरेक्ट ही डाल दिया है। मैंने फ्लेम को हाई रखा है, अभी ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगते। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं 1/2 स्पून ग्राउंड डाल रही हूँ, थोड़े से और चाहिए, और हल्दी डाल रही हूँ जो 1/3 है, और थोड़े से रेड चिली पाउडर भी 1/2 स्पून के करीब। ये बहुत ही स्पाइसी और अच्छा बनता है। अब मैंने लहसुन लिया है और इसको मैंने करीब 7-8 कली लहसुन की ली है और करीब ऐसे ही कूट लिया है, खल में इसको मैंने कूट लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट डालूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम करूंगी और मैं इसको कवर करूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूंगी या फ्लेम को मीडियम रखूंगी, फिर इसको आके मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर ये कैसा कलर दिख रहा है, और मैं इसको चलाती रहूंगी बीच बीच में। आलू टूटने नहीं चाहिए, आलू तुरंत ही पक जाते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। जब पक जाए तो फ्लेम हाई करके उसको सिर्फ भूनना है। अब 5 मिनट हो गए हैं और मुझे इसको बीच में चलाने होंगे। कढ़ाई गर्म है तो आप पकड़ के किसी कपड़े से चलाइए, देखिए पतले पतले कटी रहते हैं तो हमारी भुजिया गल जाती है। ये देखिए मैं इसको ऐसे पीछे कलछी से कट करके दिखाती हूँ, इजीली कट हो जा रहा है, इसका मतलब हमारी भुजिया गल गई है। अब मुझे फ्लेम को हाई करके इसको बस भूनना है। अभी कलछी से जितना भूनेंगे उतना ये क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा।